मुलायम अशरफ पाल यादव को हलफनामा दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को फंड के मामले में पीडब्ल्यूडी को भी नोटिस। आरवीएस मणि के खुलासे के बाद कांग्रेस पर हमला तेज। बीजेपी बोली, मोदी को फंसाने के लिए शत का आतंकी कनेक्शन छिपाया गया। सोनिया गांधी ने चिदंबरम का बचाव किया। रोहित वेमुला मुद्दे पर स्मृति ईरानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कांग्रेस का स्मृति ईरानी पर झूठ बोलने का आरोप। श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट में यात्रियों का बवाल। वीआईपी के लिए फ्लाइट रोकने का आरोप। स्पाइसजेट की सफाई, कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से हुई है देरी। नोएडा के फैशन डिजाइनर शिप्रा मलिक का अभी तक कोई नहीं मिला है सुराग। एसटीएफ जांच में जुटी है। शिप्रा के पति ने दर्ज कराई थी शिकायत। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड निकालने पर 60% रकम पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री की सफाई। कहा, पैसा कमाना नहीं, बचत को बढ़ावा देना है मकसद। भोपाल में विधानसभा के सामने हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए। बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से घायलों की मदद की अपील की। भोपाल में एग्जाम रिजल्ट के डर ने ली छात्रा की जान। नवी की छात्रा ने परीक्षा से एक दिन पहले की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, पहली रैंक नहीं ला पाऊंगी। इटावा में ड्रग वेयर हाउस में आग से तफरा तफरी। करीब 60 लाख रुपए दवाई जलने की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसा या साजिश, पुलिस दोनों एंगल्स पर कर रही है काम।